एल क्लासिको इस साल का बहुत ताबड़ होने वाला है दोनों टीम्स को देख लो रियाल मडरिड 22 पॉइंट्स बारसोना 22 पॉइंट्स सेम नंबर्स ऑफ वेंस ड्रॉस एंड लॉसेस जीरो ठीक है तो भाई कौन जो है वो टॉप ऑफ द टेबल रहेगा इस गेम के बाद ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इस साल का क्लासिको बहुत जबरदस्त होने वाला है और ना क्या बार्सोलोना का ये जो यू में डिफीट हुआ है वो बार्सोना को उदास करे रहेगी और उसके चलते बारसोना का परफॉर्मेंस में जो है वो लफड़ा होगा या फिर रियाल मड्रेड की ये जो हॉट फॉर्म चल रही है इन बोथ लीग एंड यू सी एज वेल वो उनको जो है वो एक विन दिलाएगी देखिए गेम टफ होने वाला है बारसोलोना के लिए भी टफ होने वाला है क्योंकि अपन जाएंगे सेंटियागो बन रहे ये गेम को खेलने के लिए रियाल मड्रेड हो का होम जो है वो भाई साहब गेम रहेगा एंड वी डू नॉट हैव मैसी है जो सेंटियागो में जा करके मास्टर क्लास ड्रॉप करते थे तो गेम जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है दोनों टीम्स के लिए

है वो ड्रॉ और लॉसेस लेकर के आए हैं कि वह विक्टोरिया के खिलाफ जो है वो हम जीते हैं जिसके चलते हमारी हालत जो है वो काफी ज़्यादा खराब है यूसीएल में तो यूसीएल अभी लास्ट गेम का यूसीएल में ही था इंटर मिलान के खिलाफ जिसमें ऑबियसली ड्रॉ हुआ थ्री थ्री जिसके चलते दुखी हो सकते हैं प्लेयर्स और उसका जो है वो हमको गेम में भाई साहब एल क्लासिको में देखने को मिल सकता है परिणाम लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अपन ने इंटर मिलान में गंदा खेला तो अब हम वो एकदम कॉन्फिडेंट है भाई कि अपन जाकर के बढ़ने बिहू में आगे कोड करके आएंगे तो वो भी अपन को देखने मोटिवेशन भाई अब अपन को जो है वो इंडिकेट करना है ये भी हमको देखने को मिल सकता है ऑन अदर हैंड रियल मडरेट के बारे में बात कर लूँ सेम कहानी भाई साहब बहुत ही प्यारा जो है वो फिक्चर अभी रिसेंटली उन्होंने ड्रॉ किया पिछले के पिछले गेम में उनका जो है वो ड्रॉ आया था उसके खिलाफ उसके बाद फिर गेटाफे के खिलाफ उनका गेम था जो, जो जीरो वन जीते और फिर शाखतार में उनका गेम था यू का जिसमें भी उन्होंने ड्रॉ कर लिया बट यू नो वॉट वो ड्रॉ के बाद भी रियल मडरेट इज सिक्योरिंग द विन और इस गेम के बाद रियल मडरेड के कुछ गेम्स डालीगा में और फिर उसके बाद जो है वो गेम खेलने जाएंगे अगेंस्ट लाइफिक इसी महीने

जीते हैं। लेकिन पता क्या वो हम अक्टूबर में गेम हुआ था एल क्लासिको सला अगर वो जीत गए होते हैं ना तो शायद हम आज टॉप ऑफ द टेबल रहते तो ये एल क्लासिको इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस समय के लिए यार एनीवेस तो ये मैंने आपको दोनों टीम्स का जो है वो प्रीव्यू दे दिया कि क्या कहानी चल रही है दोनों टीम्स की पिछले सीजन तो रियल मट्रेट तेरह पॉइंट्स क्लियर थी बार्सना की टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई थी लेकिन इस सीजन सेंस लीगा में बार्सनो का काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है आई पर्टिकुलरली थिंक सो एक क्लोज क्लोज कॉल होगा सॉरी दोनों टीम्स के बीच में देखें मैंने आपको दोनों टीम्स की प्रिव्यू दे दी अभी प्रेजेंट का सीनैरियो बता दी कि क्या कहानी थी क्या कहानी नहीं थी अब ना एक बार अपन जो है वो टीम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो रियाल मट्रीट का जैसे मैंने आपको न्यूज़ वाली वीडियो में बताया था यार कल सुबह की जो न्यूज़ वाली वीडियो थी मैंने आप में मैंने आपको उसमें बताया था कि जो है वो कौरतुआ इंजर्ड है और कोरतुआ इस गेम में हमको जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे यानी कि कोर्टवा का जगह कौन लेने वाला है तो लूनिन लेने वाले हैं ये चीज़ तुम भी जान भी जान जान रहे हो मैं रहा हूं। और लूनिन एक ऐसा गोलकीपर है जितना मैंने उसका गेम देखा है वो ना बड़ी गेम्स में बहुत अच्छा खेलता है और छोटे गेम्स में थोड़ा हग्गू कर देता है तो बड़ा गेम है गेम्स के खिलाफ होम गेम है एंड आई पर्टिकुलरली थिंक एंडिकुलर लूनिन की तरफ से आपको एक मास्टर क्लास देखने को मिलेगा और कोई एक इंजरी है की अगर मैं तुमको बता दू तो रियल मेड की शायद डैनी जो है वो भी जो है वो इंजर्ड है आपके लिए तो यहाँ पे दो इंजरीज के साथ जो है वो बार्स

बार्सिलोना के खिलाफ हमेशा गोल मारता तो यू कैन एक्सपेक्ट हिम स्कोरिंग गोल्स एल क्लासिको में से कोई जो है वो आपको डाउट नहीं होना चाहिए बात कर ले बार्सिलोना की तो यार बार्सिलोना में अच्छी खासी इंजरीस और बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड हैं मैमफिश डिपा इंजर्ड है हेक्टर बेलरिन इंजर्ड है रोनाल्ड अरावो इंजर्ड है और एंड्रस क्रिशनसन इंजर्ड है अब यहाँ पर मैंने एक नाम नहीं लिया है और वह है जुल्स कुंडे का देखिये जुल्स कुंडे जो है वो स्क्वाड लिस्ट में है बार्सिलोना के वो ट्रेवल करेंगे बार्सिलोना के साथ सेंटियागो बनने जाएंगे अब वो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे वी रियली डोंट नो क्योंकि ऑब्वियसली यार इंजरी के बाद तुरंत गेम खिलाना अब ये भी नहीं पता नहीं क्योंकि जूल्स कुंडे पिछले हफ्ते से हमको जो है वो ट्रेनिंग सेशंस में नजर आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि जूल्स कुंडे इज नॉट प्रिपेयर्ड मेरे को लग रहा है ही इज प्रिपेयर्ड और इसीलिए इसको लेकर के जा रहे हैं एंड शावी you know, जूल्स कुंडे इंटर मिलान वाले गेम में फिर बढ़ने भी, भी है यार सामने एल के को वो भी इंपॉर्टेंट है तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमको जो है वो जूल्स कुंडे देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से लाइनअप जो है वो ऐसी हो सकती है कि अलेक्जेंड्रो बाल्दे स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा नहीं रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि मार्कोस सोलोसो को स्टार्ट करने का प्लानिंग चल रहा है यार नाउ आई कैन नॉट बिलीव अगर ये हो गया ना यार अगेन मार्कोस सोलोसो अगर स्टार्ट करता है एज अ फुल बैक तो यार इस बार आपके सामने विनीशियस जूनियर रहेगा यार इस बार आपके सामने फेड्रिगो वर्लवर्डे रहेगा यार लेंथी प्लेयर है साली की पेस काफ़ी ज़्यादा है उसकी ठीक है और अगर वो नहीं तो यार रोड्रिगो रहेगा यार कैसे आलोशो भाई कोपअप कर पाएगा ये फास्ट डिफेंडर्स के खिलाफ यार ए सॉरी अटैकर्स के खिलाफ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर अलोंसो स्टार्ट करेंगे फिर से यार तो एंड आई रियली डोंट वांट अलोंसो टू स्टार्ट इन एल एलक्लासिको बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अलोंसो की पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी एंड आई एम रियली वेरी अफ्रेड इज चावीज प्लानिंग टू स्टार्ट अलोंसो मतलब क्यों यार एलेक्सेंड्रो बाल्दे को स्टार्ट कर दो ठीक है आप उतार दो यार जुल्सकुंडे को अगर आपको लग रहे तो पी ठीक है भाई टी के उतार दो एरिक एरिकारे उतार दो इन रोबर्टों उतार दो बट प्लीज़ ओलोंसो को स्टार्ट मत करो यार अगर कर देना तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा मिड में यार देखो फ्रेंकली ंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर देखो वो अपन कहते हैं ना कि अपन को जो चीज नहीं दिखती ना उसकी फिर अपन को तभी जो है वो अहमियत समझ में आती है एंड फ्रेंकी डिओग इज वन ऑफ प्लेयर्स प्लेयर मैं जब से फ्रेंकी डियोंग को नहीं देख पा रहा हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार इस गेम में तो फ्रेंक डियोंग की जरूरत थी इस गेम में तो फ्रेंक डियोंग की जरूरत थी सेम इंटर मिलन वाले दोनों लैग में हुआ मेरे को चाहिए था कुछ ये फ्रेंकी रहता तो आग लगा देता एंड सेकंड लैग में अपन को देखने को मिला यार फ्रेंकी डियोंग ने आग लगाया तो आई रियली वॉन्ट टू सी फ्रेंकी डियोंग स्टार्टिंग इन एन बट पता नहीं चावी विल बी स्टार्टिंग गावी एंड पेरी ओवर बुस्केट्स और नॉट मतलब यार ये जो एक ना मतलब चावी के आर वेरी गुड नो डाउट टैक्टिक्स आर वेरी गुड बट एक जो ये स्टर्बननेस आ रहा है ना चावी की तरफ से कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग मोर को गावी ओवर फ्रेंकी ये थोड़ा सा मेरे को ना चावी के प्रति एक गुस्सा दे रहा है मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये देख करके कि ये बार 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 वही चीज़ वही चीज अब ये लाइनअप देख करके क्लियर हो गया यार पता नहीं क्या होगा बट ऑब्वियसली यार फ्रंट लाइनअप में ऐसा हो सकता है कि अंशु फाटी स्टार्ट करे रफीना के बदले आई रियली डोंट नो ऐसा क्यों होगा बट मेरे को लग रहा है होगा विद लेवन डॉस के स्टार्टिंग अफ फ्रंट एज वेल सो यार ये गेम ना पूरा लाइनअप के ऊपर डिपेंड करेगा लाइक इंटर मिलान वाला भी पूरा लाइनअप के ऊपर डिपेंड किया था ये भी लाइनअप के ऊपर डिपेंड करेगा तो अब देखने वाली बात होगी कि चावी किसको उतारेगा बट वी आर प्रटी मच क्लियर विथ एल क्लासिको का रियाल मड्रिट का लाइनअप बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि भैया एनचोलॉटी क्या जो है वो अपने लाइनअप उतारते हैं सो आई एम रियली कंफ्यूज वॉट चाबी विल डू एंड वंस अगेन ए फील स्टार्टिंग ओलॉनसो एंड यू नो उसकेटसन का भी भाई गड़बड़ घोटाला हो सकता है वी नीड यंग ब्लड वी नीड यंग पेस वाली यू नो आउटफील्ड अगेंस्ट भाई साहब रियाल uh, मड्रिड जिसके विनीशियस और रोड्रिगो के अंदर बहुत ज़्यादा पेस और अपन नहीं रोक पाएंगे यार तो पूरा गेम बार्सना का डिपेंड करेगा चावी के लाइनअप के सिलेक्शन के ऊपर एंड आई रियली विश तो इस बार चावी हग्गू मुत्तु न करे बाल देखो उतारे एनी वेज तो यही मेरा तो इस गेम का प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लू आई डोंट नो एम फीलिंग दिस यार ये गेम ड्रॉ हो सकता है लेट मी नो योर प्रोडिक्शन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो बट आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ लेट मी नो आपका प्रिडिक्शन क्या हो सकता है बाकी अगर चावी ने ओलोंसो को और फिर से गावी को फ्रेंकी डियोंग के ऊपर स्टार्ट किया चावी आउट वाली चीज में तुम भिड़ोगे क्या मतलब आई डोंट नो मतलब आई डो नॉट वॉन्ट टू से चावी आउट बट ये सब देख करके ना यार थोड़ा सा चिड़ तो मच रही है एनी देखते हैं क्या होता है चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में जिस एसके तो से आउट बाकी देखें भाई वॉच लॉन्ग होगा इस गेम का होपफुली अगर कल मैं फ्री रहा हूँ उतने बजे तक तो लेकिन हाँ जहाँ तक प्लानिंग है वॉच लॉन्ग होगा तो प्लीज़ ज्वाइन करो वॉच लॉन्ग हमारे साथ जुड़ेंगे आदर्श भाई फ्रॉम कूले फ्रॉम इंडिया आदर्श भाई ये बातें तो वॉच लॉन्ग में मज़ा आता है ज्वाइन करना ठीक है मिलता हूँ बाय